देखो ये व्हील है हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्सिया 2 मीटर अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, रोटेट एट द रेट ऑफ 60 रिवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस, टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील इन 1 मिनट। ठीक है, एक व्हील है वो रोटेट कर रहा, चलो ये रोटेट कर रहा, एक व्हील बना लो, ये रोटेट कर रहा आपने एक्सिस पर ओमेगा से रोटेट करा। फाइनली मुझे इसको रोकना है, जीरो करना है, तो मुझे कितनी टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, 1 मिनट में रुकना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा यार, ठीक है, आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्सिया दिया हुआ है, मतलब अल्फा निकालना पड़ेगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है अबाउट एक्सिस रेट ऑफ 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, 60 ओमेगा जो होता है इनिशियल ओमेगा, वो ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और फाइनल ओमेगा तो जीरो हो गया भैया, रोकना है ना हम लोगों को, रोकना है, तो फाइनल ओमेगा जीरो हो गया। अब 2 पाई और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 रिवोल्यूशन है पर मिनट से, तो पर सेकेंड इस फ्रीक्वेंसी होता है, तो 60 और डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, तो ये हम लोग की जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इतनी आ जाएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनिशियल ओमेगा। तो जो अल्फा होता है, अल्फा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टी, यही से तो मिलता है एंगुलर एक्सलेशन, और 1 मिनट टाइम है 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस साइन आ रहा है इनिशियल, क्योंकि रिटार्डिंग वाला टॉर्क है, तो माइनस ये 2 पाई और डिवाइडेड बाई टाइम्स 1 मिनट मतलब 60 मतलब माइनस पाई बाई 30 अल्फा आ जाएगा, माइनस साइन, ठीक है, रिटार्डेशन के लिए आ रहा है, उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इधर से निकल के आया पाई बाई 30, मतलब ये आ जाएगा पाई बाई 15, ठीक है, पाई बाई 15 जो है न्यूटन मीटर इज द टॉर्क, दैट इज सी ऑप्शन सही है, इतना न्यूटन मीटर हम लोगों के पास टॉर्क आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, ठीक है। चलो, ए राउंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया